बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखाने और घर वापसी कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन दोनों चीजों पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कुछ दिनों से घर वापसी और धर्मांतरण की बात करते हुए एक बाबा रायपुर में दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की घर वापसी हो रही है वो किस वर्ण में रखे जाएंगे, बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सिद्धियां मिलती हैं, सिद्धियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, ये जादूगरों का काम है। अगर सही में चमत्कार है तो फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोशीमठ को बचा कर दिखाए। आज रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आखिरी दिन है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बागेश्वर धाम कथा के मंच से ही सीएम बघेल के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इन दिनों कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम का दरबार सजा हुआ है। बाबा अनोखे चमत्कार और घर वापसी को लेकर चर्चा में हैं। हर दिन एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। एक तरफ जहां मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार पर चमत्कार दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दरबार में आए लोगों की घर वापसी भी करवा रहे हैं। बाबा का दावा है कि ये लोग अपनी मर्जी से घर वापसी कर रहे हैं। पहले चमत्कार पर विवाद हुआ, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस घर वापसी कार्यक्रम पर विवाद शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा है कि वो जिन लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं उन्हें किस वर्ण में रखा है। धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें, शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में, किस में रखें आप, उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी, ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। भूपेश बघेल ने यह सवाल शनिवार को एक मुस्लिम महिला के हिंदू धर्म में घर वापसी और ओडिशा के क्रिश्चियन परिवार की घर वापसी पर उठाए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर त्रिपुंड लगाकर और गले में पीले रंग का अंग वस्त्र डालकर लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं। भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार के दावों पर सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सवाल को भी दोहरा दिया। उन्होंने बागेश्वर धाम से कहा कि वो जोशीमठ को बचा कर दिखाएं। इससे कोई समाज का भला नहीं, जैसे कहा ना जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो,
अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, वो इस धरती पे आए और मिट गए, लेकिन भारत है, हमारा देश है और ये आज हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, कभी समाप्त नहीं हुई। इतने युद्ध हुए, इतने आक्रमण हुए, महाभारत भी हो गया, आक्रमण भी हुए, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जस के तस है, जहां की तहां है, जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए, ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने अब इसी को लेकर सवाल उठाए हैं। आज रायपुर के गुढ़ियारी हनुमान मंदिर मैदान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आखिरी दिन है। उम्मीद की जा रही है कि आज वो सीएम भूपेश बघेल के सवालों का जवाब दे सकते हैं। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में अब कई साधु संत और हिंदू संगठन भी उतर आए हैं। दिल्ली से लेकर नागपुर तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये बागेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश है। हम सबसे पहले तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ यहाँ पे कि हम लोग और पूरे देश के आस्थावान समाज बागेश्वर धाम सरकार जी के साथ है और कि इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। ऐसे संत, ऐसे साधु जो धर्म परिवर्तन को रोकने का काम करते हैं, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलते हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में भी रामकथा कहते हैं, उनके ऊपर हमला करने वाले कौन लोग हैं ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए आज जरूरत है कि सभी आस्थावान लोग बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़े हों। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों को चुनौती देने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव आज भी अपने सवालों पर कायम हैं। उनका कहना है कि अगर बागेश्वर धाम नागपुर में वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट देकर अपने चमत्कार साबित कर देते हैं तो फिर श्याम मानव अपने 40 साल पुराने संगठन को बंद कर देंगे। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं खुद आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपको ठग कहा इसलिए माफी मांगूंगा, और इतना ही नहीं तो जो 40 सालों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है, जिसने हजारों बाबाओं का, मांत्रिकों का, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों का और ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया है, एक्सपोज किया है, वो समिति हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और दिव्य शक्ति सिद्ध होगी तो इसका मुझे बहुत अभिमान होगा, क्योंकि आज तक दुनिया में ये टेलीपैथी, इंट्यूशन, क्लेरोवायंस सिद्ध नहीं हुआ है, तो दुनिया में यह पहला उदाहरण होगा कि कोई व्यक्ति उसमें यह दिव्य शक्ति है फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर सिद्ध करता है, इसका मतलब वो सही है, और यह सभी भारतीयों के लिए अभिमान का विषय होगा। हालांकि रायपुर के मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब वो किसी तरह के चमत्कार को साबित नहीं करेंगे, यानी बाबा बागेश्वर धाम का दरबार यूं ही सजता रहेगा, लेकिन सवाल उठाने वालों को कोई जवाब नहीं मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।